अमर दुर्ग के बैनर तले मैं गांधी बन जाऊं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का जिला कांग्रेस सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रकोष्ठ और बेटी बचाओ मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजन किया गया, जिसमें पहुंच नन्हे बच्चों द्वारा गांधी जी की वेशभूषाएं पहुंचकर प्रस्तुतियां दी गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हमर दुर्ग के बैनर तले मैं गांधी बन जाऊं फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन दुर्ग जिला कांग्रेस सांस्कृतिक व साहित्यिक प्रकोष्ठ और बेटी बचाओ मंच के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर मैं गांधी बन जाऊं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में महात्मा गांधी जी की वेशभूषा में शामिल होकर अपना परिचय देने के साथ ही गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते नजर आए। वहीं बड़ी संख्या में उपस्थित बच्चों ने महात्मा गांधी की वेशभूषा में एक साथ प्रस्तुतियां दी। संस्कार विद्या मंदिर बहुत छोटी सी चादर दे दे मैं। आज मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गांधी जी बन के आया हूँ। मैं गांधी जी के बारे में एक गीत गाने गौरतलब है कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हुए कार्यक्रम में शिवकांत तिवारी मनहरण साहू कृति बख्शी दुर्ग अडल द्वारा भजन व गांधी जी के प्रेरणास्त्रोत गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर निर्णायक मंडल द्वारा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय साथ ही विशेष 5 प्रतियोगियों को पुरस्कृत कर सभी प्रतिभागियों को सम्मान पत्र दिया गया। कार्यक्रम में विधायक अरुण वोरा महापौर धीरज बाकलीवाल सभापति राजेश यादव प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू रत्ना नारामदेव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। आज पूरा राष्ट्र महात्मा गांधी जी को नमन कर रहा है और हिंदुस्तान के इतिहास में महात्मा गांधी जी का नाम हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। हम सब महात्मा गांधी जी को नमन कर रहे हैं और उनके बताए हुए सिद्धांतों, आदर्शों और चरित्रों को आत्मसात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत की में के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और नेहरू जी ने देश के विकास की जो आधारशिला रखी उसके आधार पर आज 75 वर्षों में देश ने विश्व के नक्शे में जो स्थान बनाया है उसे देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। हमारे दुर्ग में भी आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा और हमर दुर्ग लोक संस्था के द्वारा गांधी जी का स्मरण किया गया और हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आज गांधी जी की वेशभूषा में यहाँ आए हैं और इस बात का संदेश दे रहे हैं कि अगर देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाना है, आपसी सद्भावना और भाईचारे को मजबूत बनाना है तो हमें गांधी जी के रास्ते पर चलना पड़ेगा, उन्हें प्रेरणा माननी होगी। मैं आयोजक श्री शिवकांत तिवारी और रश्मि अग्रवाल जी और उनके अल्ताफ अहमद जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में हमने सांस्कृतिक और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और बेटी बचाओ मंच के द्वारा मैं गांधी बन जाऊँ फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और हमर दुर्ग लोक कला संस्था के द्वारा आज यहाँ पर भजन और गांधी जी के प्रेरणा स्वरूप की हमने प्रस्तुति यहाँ कराई है। इस प्रतियोगिता में कम से 200 लोगों ने भाग लिया था। वो सुबह अब थोड़ा सा वो होने के कारण यहाँ पर करीबन 70-80 गांधी यहाँ पर अभी और हमारा आयोजन का एक ही उद्देश्य है। हर कोई गांधी को पूछता है, हर कोई गांधी को नाम लेता है पर गांधी के विचार को आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है और हम ये चाहते हैं कि हम छोटे पौधों को अगर सींचते हैं वो अपनी जड़ें अगर फैला लेती है तो वो पेड़ इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी आंधी उसको डिगा नहीं सकती। तो हमारा ये प्रयास है इन छोटों बच्चों के माध्यम से गांधी क्या थे, गांधी कौन थे, गांधी के विचार क्या है, एक छोटा सा प्रयास और सभी लोगों का सहयोग मिला। और शहर में हमारे हमर सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं श्रद्धे महात्मा गांधी जी के रूप में हमारे बच्चे आए हैं और अपना गांधी जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी आज से पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आज पूरे प्रदेश में
भारत छोड़ो यात्रा प्रारंभ की है, क्योंकि देश के आज़ाद होने के बाद अभी कुछ परिस्थिति ऐसी आई है जिसमें गांधी जी के विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गांधी जी के विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को उछलने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए देश में भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता हुई है। माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। एक गोडसे के मानने वाले, सावरकर को पूजने वाले लोग गांधी जी जो स्वच्छता का संदेश दिए थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।